अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आमरा और अपना आप इंट्रोडक्शन खुद दे दें। मैं हूँ खिजर और ये ओनर है, बताएं बताएं डोमिनोज पिज़्ज़ा के। और हम आज यहाँ पर आए हैं इन्हीं के बहुत सारी अच्छे अच्छे आइटम्स को ट्राई करने, तो आपके पास आपकी स्पेशलिटी क्या है वो बता दें साथ साथ। हमारे पास जो स्पेशल है, सबसे पहले तो स्पेशलिटी हमारी है पिज़्ज़ा, और हमारा पिज़्ज़ा जो है वो 1 kg का होता है कुक होने के बाद, और 1000 rupees का हमारा पिज़्ज़ा है स्टार्ट जो है लार्ज। साउथ वेस्टर्न सैंडविच होते हैं हमारे पास, ग्रीन पास्ता होता है, क्रीमी पास्ता होता है। और अभी तक आपका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? रिस्पॉन्स अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा है, और एक दफ़ा जो खाता है वो वापसी रिटर्न जरूर, रिपीटेड कस्टमर है। और वैसे भी हम तो अपने हर वीडियो में यही बोलते हैं कि आप लोगों को स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए, जितना ज़्यादा आप लोग ऐसे बिजनेस को प्रमोट करेंगे उतना ज़्यादा देखिए फ़ायदा होगा दूसरों का भी और आपका खुद का भी कहीं ना कहीं पर। तो अब हम लोग ऑर्डर करते हैं, आप सारे अपने आइटम्स हमें ला कर देना और फिर हम लोग आपको फूड रिव्यू देते हैं। पहले पास्ता ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। अच्छा तुम भी खा सकते हो बिल्कुल आराम से। ये बारबेक्यू फ्लेवर में अभी तक कहाँ है खाया मैंने, ज़्यादा गर्म है। इट्स गुड, आमरा जी ने बोल दिया इट्स गुड का मतलब अच्छा ही होगा। ये देखें वाओ, नजर आई देखो, मैं दिखा रही हूँ, ये दिखाएं, ये दिखाएं, और गरम गरम है तो बहुत अच्छा लग रहा है, गरम बहुत हो रहा है तो बहुत लोडेड पिज्जा है। अच्छी बात ये टेस्ट ना मुंह में जाके डिसॉल्व हो रहा है, हर एक फ्लेवर ना अपना एक यूनिक टेस्ट दे रहा है। इसमें भी थोड़ा चिकन टिक्का वाला फ्लेवर आ रहा है और मज़े का ये भी लोडेड बहुत है ये ना, और हमें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें भी, लेकिन मुझे लग रहा है ये काफ़ी हम लोगों के हिसाब से, मैं तो खैर अच्छा खासा खाती हूँ तब भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा है क्वांटिटी, हम लोग शायद पूरा नहीं खा पाएंगे। मुझे सबको मीडियम पिज्ज़ा मंगवाए थे हमने, हाँ लेकिन क्योंकि वो हैवी इतना ना लोडेड है, पिज्ज़ा भी इतना लोडेड है, पास्ता भी सेम कोर्स और सैंडविच। खैर अब हम रेट करें, मुझे तो सब कुछ नो डाउट बहुत अच्छा लगे, बहुत फ्रेश है, और इस वाले का टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है, मैं इसका थोड़ा आइडिया नहीं लगा पा रही कौन सा फ्लेवर है क्योंकि ये बनकर आ गया और अभी इतना हम लोग कंफर्म करके बता नहीं सकते, लेकिन सब कुछ अपनी जगह ना है, अपना बहुत मतलब फ्लेवर जो है बहुत अच्छा दे रहे हैं, तो मैं इसको रेट करूँगी 9 out of 10, इसको भी मैं 9 out of 10, इसको 8 out of 10, और इसको मैं करूँगी 9.5 out of 10। दोनों ही पिज्ज़ा मुझे बहुत अच्छे लगे, ये भी बहुत ज़्यादा लोडेड है, ये भी बहुत ज़्यादा लोडेड है, हम लेकिन इसका ना फ्लेवर काफ़ी चेंज है, मतलब इसका टेस्ट नॉर्मल नॉर्मल वो तो फजीता क्योंकि हम लोग खाते रहते हैं हर जगह मिलता ही है, ये थोड़ा डिफरेंट है, तो ये वाला ज़रूर ट्राई करना चाहिए आप लोगों को, और ये पास्ता ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़े की। अब हम खाना इन्जॉय करते हैं और बाद में बात करेंगे आगे। तो हमने खा लिया और फुल हो गए और हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगा और भूख भी बहुत लग रही थी, रेट हमने कर दिया, अब हम कंटिन्यू करें। अमृत ने बोला बस मैं एक दफा स्टार्ट में बोल दूं क्योंकि फिर मैंने बहुत खा लिया, मुझसे बोला नहीं जाएगा। मेरी तो सेम सिचुएशन है, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, खा लिया भूख से ना हम लोग एकदम बेहाल हो रहे थे कि बस जल्दी जल्दी खाना शुरू किया, बस अब ओवर हो गया। तो आपने खाना हो अगर अच्छा सा पिज्जा तो आप विजिट कीजिए डोमिनोज पिज्जा, और यहाँ के जो ओनर हैं जैसे मैंने आपको बताया हमारे जानने वाले अच्छे बना, और जो गुलशन से हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो गुलशन इकबाल में 13D2 में, तो आप लोग तो इजीली आ सकते हैं और देखा हुआ होगा चलते फिरते, तो टेक अवे और डिलीवरी दोनों का ऑप्शन है, तो आप ये दोनों ऑप्शंस को भी अवेल कर सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर जो है इनका मैं
वैसे मैंने बोर्ड की भी आपको दिखा दिया है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो वैसे भी हम डिस्क्रिप्शन में इसका कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस सब मेंशन कर देंगे ताकि आप लोग इजीली, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा हम लोगों के चैनल को। आप मिलेंगे किसी और फूड रिव्यू या नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। चलो।